मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हमने जो है हमारे पाठ क्रमांक 6 जापान को जो है शुरू किया था। और जो है इस पाठ में हमने देखा कि जो है जापान के लोग जो है बहुत अधिक मात्रा में क्या है, देशभक्त है और अपने देश के प्रति जो है उन्हें बहुत सम्मान है। और जापान के जो लोग है वो ईमानदार मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं। और हमने ये भी देखा कि जापान जो है एक ऐसा देश है कि छोटे छोटे द्वीप और चार बड़े जो द्वीप है इनसे इनका जो है समूह है जापान है। जापान जो देश है वो चारों ओर से क्या है, समुद्र से घिरा हुआ है। ये भी हमने देखा है। एक बार जो है स्वामी रामतीर्थ जी को जो है एक विद्यालय से जो है आमंत्रित किया गया है वहां पर जापान में। जब जापान में स्वामी रामतीर्थ जी पहुंचे तब जो है स्वामी रामतीर्थ जी ने जो है एक विद्यार्थी से प्रश्न पूछा कि तुम किस धर्म को मानते हो। तो उस विद्यार्थी ने जो है निर्भीक होकर बिना डरे जो है कहा कि मैं बौद्ध धर्म को मानता हूं। तो जो है महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में उन्होंने जो है उस विद्यार्थी से जो है उसके विचार जाने। तो उस विद्यार्थी ने कहा कि जो है कि गौतम बुद्ध कौन है, हमारे भगवान है। और उसने जो है जापानी प्रथा के अनुसार जो है महात्मा गौतम बुद्ध को जो है प्रणाम किया। फिर जो है स्वामी रामतीर्थ जी ने जो है अगला प्रश्न पूछा कि कन्फ्यूशियस के बारे में तुम क्या जानते हो, तुम क्या कहना चाहते हो। तो आज जो है वो विद्यार्थी कन्फ्यूशियस के बारे में क्या कहता है वो आज हम देखेंगे। तो देखिए विद्यार्थी ने क्या कहा, ठीक है। विद्यार्थी बोला जी वे एक महान संत थे। यह कहकर उस विद्यार्थी ने फिर कन्फ्यूशियस को भी प्रणाम किया। अंत में स्वामी जी ने पूछा यदि किसी देश की सेना तुम्हारे देश पर आक्रमण करे और उस सेना के सेनापति महात्मा बुद्ध या कन्फ्यूशियस हो तब तुम क्या करोगे। स्वामी जी की का प्रश्न सुनकर विद्यार्थी का चेहरा क्रोध से तमतमाने लगा। वह गुस्से से बोला यदि कोई मेरे देश की ओर आंख उठाकर भी देखेगा तो मैं उसकी आंखें ही फोड़ दूंगा, फिर चाहे बुद्ध हो या कन्फ्यूशियस। तो देखिए उस विद्यार्थी को जो है स्वामी रामतीर्थ जी ने पहले प्रश्न पूछा था कि तुम जो है किस धर्म के हो, किस धर्म को जो है मानते हो। तो उसने कहा कि मैं बौद्ध धर्म को मानता हूं। तो उस स्वामी जी ने जो है अगला प्रश्न पूछा कि महात्मा बुद्ध के बारे में जो है तुम्हारे क्या विचार है। तो उसने कहा कि महात्मा गौतम बुद्ध जो है हमारे भगवान है और उसने जो है उन्हें प्रणाम किया। फिर जो है अगला प्रश्न स्वामी जी ने पूछा कि तुम कन्फ्यूशियस के बारे में क्या जानते हो, उनके बारे में तुम्हारे विचार क्या है। तो उन्होंने कहा कि कन्फ्यूशियस जो है एक महान संत है और वो जो है उन्हें भी जो है ये कहकर उन्हें उसने जो है प्रणाम किया। फिर अगला प्रश्न जो है स्वामी जी ने पूछा कि अगर कोई जो है तुम्हारे देश के ऊपर जो है किसी देश की सेना अगर आक्रमण करे, हमला करे और उस देश के जो सेना है उस देश की सेना के सेनापति अगर महात्मा बुद्ध है या कन्फ्यूशियस है तो फिर क्या होगा, फिर तुम क्या करोगे, ऐसा जो है उनसे प्रश्न पूछा उस विद्यार्थी से। अब जो है उस विद्यार्थी का चेहरा जो है गुस्से से लाल हो गया है, अब उसे क्रोध आ गया है। क्यों आ गया है? और उसने कहा कि यदि कोई मेरे देश के ऊपर जो है आंख उठाकर भी देखा गया तो मैं उसकी आंखें ही निकाल लूंगा, उसे जो है मारूंगा, फिर चाहे क्या है, फिर चाहे वो गौतम बुद्ध हो या फिर कन्फ्यूशियस हो। मतलब ये बताना है कि यहाँ पर ये बताया गया है कि जो जापान के लोग हैं वो अपने देश के प्रति कितना उन्हें प्रेम है, कितने बड़े देशभक्त हैं, ये जो है इस पाठ में
यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से बताया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं, आपको हाईलाइट करके लेना है। तुम्हारे सेनापति और प्रश्न गुस्से आंखें, इन शब्दों को जो है आपको हाईलाइट करके लेना है। तो देखिए तुम्हारे सेनापति सेनापति प्रश्न गुस्से आंखें, ये जो प्रश्न ये शब्द है ये आपको हाईलाइट करके लेना है। अब देखिए आगे क्या होता है, ठीक है। अब देखिए विद्यार्थी के इस उत्तर से स्वामी जी बहुत प्रभावित हुए और बोले जिस देश में ऐसे देशभक्त हो उस देश को कोई भी देश नहीं हरा सकता। जापान के लोग देशभक्त होने के साथ साथ प्रकृति प्रेमी भी होते हैं। वे अप्रैल के महीने में फूलों का त्योहार हानामत्सुरी मनाते हैं। इस अवसर पर सारा वातावरण फूलों की सुगंध से भरा होता है। इस दिन वे मंदिरों और अपने घरों को विशेष रूप से सजाते हैं। जापान में भी हमारे देश की तरह ही अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। मार्च माह के तीसरे दिन गुड़ियों का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। कई दिन पूर्व ही सुंदर सुंदर गुड़िया बनाने का कार्य प्रारंभ हो जाता है। त्योहार वाले दिन जगह जगह मेलों का आयोजन किया जाता है, जिनमें कलाकार अपनी बनाई हुई गुड़ियों का प्रदर्शन करते हैं। मेले में प्रदर्शित सबसे सुंदर गुड़िया को पुरस्कृत भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त अब ये जो है इसके आगे का हम आगे देखेंगे। इसके अतिरिक्त भी 15 नवंबर को सिची गोसे नामक एक अनोखा पर्व भी मनाया जाता है। तो देखिए अब यहाँ पर कुछ शब्द आए वो आपको हाईलाइट करके लेना है। प्रभावित, अगला शब्द है अप्रैल, उसके बाद हानामत्सुरी, उसके बाद जो है अगला शब्द आपको हाईलाइट करना है त्योहार, और जो है उसके बाद जो है आपको अगला जो शब्द हाईलाइट करना है वो है गुड़ियों, और शब्द है प्रारंभ। ये जो है आपको हाईलाइट करना है, उसके बाद जो है प्रदर्शित और प्रदर्शन, इन शब्दों को भी आपको हाईलाइट करके लेना है। तो देखिए शब्द है हाईलाइट के लिए प्रभावित, उसके बाद जो है आपको अगला शब्द है अप्रैल, ये शब्द आपको हाईलाइट करके लेना है अप्रैल, उसके बाद जो है अगला शब्द है आपको हाईलाइट करके लेना है खाना मत सुनी और बात करें बहुत अच्छे। हाँ हेलो, आप देखिए आगे देखिए अगला शब्द है त्योहार, त्योहार आगे देखिए गुड़ियों इस शब्द को हाईलाइट के लिए कीजिए। उसके बाद जो है आपको शब्द हाईलाइट करना है प्रारंभ,
इस शब्द को हाईलाइट कीजिए। अगला शब्द है आपको हेड का नाम प्रदर्शन, प्रदर्शन, प्रदर्शन शब्द को हाईलाइट कीजिए, प्रदर्शन। और अंतिम शब्द है प्रदर्शित, 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 इस शब्द को हाईलाइट कीजिए, प्रदर्शित। ठीक है, अब देखिए जो जापान के लोग जो है वो बहुत ज्यादा जो है देशभक्त होते, ये बात जो है जानकर जो है जो विद्यार्थी ने जो उत्तर दिया वो सुनकर जो है स्वामी रामतीर्थ जी जो है बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए हैं। और उन्होंने ये कहा कि जिस देश में ऐसे देशभक्त हो तो उस देश को कोई भी नहीं हरा सकता। और जापान के जो लोग है देशभक्त होने के साथ साथ जो है प्रकृति प्रेमी भी है। और वो जो है अप्रैल के महीने में जो है फूलों का त्यौहार आना मत्सुरी मनाते हैं। अप्रैल में कौन सा त्यौहार मनाते हैं जापान के लोग? जी हाँ, आना मत्सुरी। और इस अवसर पर जो है सारा वातावरण जो है फूलों की सुगंध से जो है भर जाता है। और इन दिनों में जो है वे जो है जापान के लोग मंदिरों और अपने घरों को जो है विशेष रूप से सजाते हैं। और जापान में जो है हमारे देश की तरह ही जो है जापान के जापान में भी जो है बहुत से त्यौहार मनाए जाते हैं। मार्च माह में जो है मार्च का जो तीसरा हफ्ता होता है, तीसरे सप्ताह में जो है मार्च के जो तीसरे दिन, मार्च के मार्च महीने के तीसरे दिन जो है क्या करते हैं, गुड़ियों का त्यौहार मनाया जाता है। मार्च महीने के तीसरे दिन जो है गुड़ियों का त्यौहार जो है बड़ी धूमधाम से जो है जापान में मनाया जाता है। और ये जो त्यौहार है गुड़ियों का, इसके पहले ही से इसके त्यौहार के आने के पहले ही कुछ दिन पहले से ही जो है लोग जो है सुंदर सुंदर जो है गुड़िया बनाने का काम जो है शुरू कर देते हैं। और जगह जगह जो है मेलों का जो है आयोजन भी किया जाता है, जिनमें जो है कलाकार जो है अपनी बनाई हुई गुड़ियों का जो है प्रदर्शन करते हैं। और मेले में जो है प्रदर्शित सबसे सुंदर जो गुड़िया है उसको जो है इनाम भी दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक हम देखने वाले हैं। तो देखिए ये है नए शब्द जिसको आपने हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, अब देखिए इस पाठ में आए हुए नए शब्द। ठीक है, इस पाठ में आए हुए नए शब्द देखिए। समृद्ध यानी उन्नत वातावरण यानी आस पड़ोस, भूमिगत यानी जमीन के अंदर का। ठीक है, ये है आपका क्लास वर्क। और ये जो नए शब्द दिए गए हैं ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आपको जो है तीन बार लिखना है। इस तरह से ये पाठ हमने देखा है, इसके आगे का जो भाग है वह हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।